नमस्कार। और फिर से ये वीडियो है कि अब चूँकि ख़त्म हो रहा है सीज़न, MBBS अब्रॉड अभी भी स्टार्ट है। पीपल जो लोग रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, बेलारूस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जगह जाया करते थे और सर पूछते हैं कि किस कंट्री में जाएं, किस में ना जाएं, तो देखिए मैं आपको पहले फिर से क्विक रिवीजन दूँ क्या तीन रूल हैं जो NMC लाई थी 18 नवंबर 2021 को। उसके बाद और भी बहुत सारे ला चुकी है, पर वो तीन रूल ही बड़े मस्त हैं। वो उसमें से एक ये है कि आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ 4.5 साल की पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद उसी कॉलेज में आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी, जैसे हम इंडिया में करते थे। हाँ, 4.5 साल की पढ़ाई 5 साल की हो सकती है, बट इंटर्नशिप अलग से होगी। तीसरा, आपको उस देश में यू शुड बी रजिस्टर्ड टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर। ये है सबसे बड़ा झोल वाला क्लॉज, और इसकी वजह से एक कंट्री जो मेरी बहुत फेवरेट हुआ करती थी, आप 2015-16 के मेरे वीडियोस देखोगे 17 तक के, फिलीपींस, वो हो गई है ख़त्म। बिकॉज फिलीपींस में तीसरा रूल बहुत कोशिश की जा चुकी है और वो फुलफिल नहीं हो रहा। फिलीपींस गवर्नमेंट ने लिख के मना कर दिया। रशिया ने, चाइना ने ये बोला पेपर दो पास करो, किर्गिस्तान ने, और आपको मिल जाएगा। फिर NMC और भी रूल ले आई है कि उनका सिलेबस हमारे सिलेबस से मिलता होना चाहिए, सिलेबस भी बिल्कुल डिफाइन कर दिया है। तो अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो ना, तो अभी भी आई एम लाइक नॉट 200% श्योर, फिर भी कुछ कंट्रीज़ हैं कि, और इसलिए हमने इस साल किसी को भी MBBS अब्रॉड के लिए पर्सनली बहुत पुश करके नहीं भेजा। हम तो कहते हैं जी आप ना लोगों से पूछ लो और जो कंट्री आपको सूट करती है फिर हम भेज देंगे। भेजते हम हर जगह, बट सम हाउ पर्सनली आई एम नॉट श्योर अभी भी। और वही बात है ना कि आज आप चले गए, 6 महीने बाद आप मुझे फ़ोन करो, 3 महीने बाद, तो वो हम चाहते नहीं हैं। लेकिन ये मैं आपको पक्का कह सकता हूँ जो फुलफ़िल नहीं कर रही वो है फिलीपींस। और दूसरा, इसी वीडियो के माध्यम से, चूँकि मैंने बहुत वीडियो बनाए थे नेपाल के लिए, देखिए नेपाल डेफिनेटली 4.5 साल पढ़ाता है, डेफिनेटली इंटर्नशिप आपको कराएगा। बट जो थर्ड रूल है लाइसेंस टू प्रैक्टिस और रजिस्ट्रेशन इन नेपाल, वो अभी तक मैंने भी लिखित में नहीं देखा है। तो मैंने आप सबसे इसलिए कहा था फॉर्म भर दो, जिनके भी फ़ोन हमारे पास आए हमने सिर्फ फॉर्म भरवाए, किसी से भी 2-5 लाख रुपए आगे ट्रांसफ़र नहीं करवाए कॉलेजेस में जो बाकी एजेंट करवा रहे थे। और आज 29 अक्टूबर को मैं यही कहूँगा कि अभी तक वो रूल नहीं आया है। तो जो लोग, जिसको MBBS इंडिया में सीट नहीं मिली है, जो बाहर की सोच रहा है, फिलीपींस तो पक्का नो है, मलेशिया पक्का नो है, क्योंकि मलेशिया ने इंटर्नशिप के लिए साफ मना कर दिया है। तो मैं आपको नो पक्का बता सकता हूँ। और नेपाल या बाकी कोई भी कंट्री, क्योंकि मैंने नेपाल के बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि कल को अगर आप किसी कोई मुझे फ़ोन करे, सर हमने आपका सितंबर का अगस्त का वीडियो देखा था, 29 अक्टूबर के वीडियो में मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ थर्ड क्लॉज की अभी मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। तो प्लीज़ जो भी नेपाल जाने की सोच रहा है, अपने एजेंट्स के माध्यम से वो कन्फर्म कर लेना कि नेपाल में आपको रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस मिलेगा, क्योंकि तभी वापस आके आप पेपर में बैठ पाओगे। अब एक चीज़ और, जो भाई जो फिलीपींस को बेच रहे हैं अभी भी, क्योंकि तो कोई मुझे लोग ये भी पूछते हैं सर आप जैसे सब सच बता देते हो, ये फिलीपींस के एजेंट ये आज भी इतने झूठ क्यों बोल रहे हैं। और मैं बड़ा ईमानदारी से बताता हूँ, देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि आई एम नॉट MBBS एजेंट ऑफ अब्रॉड और काउंसलर, भगवान की दया से बहुत इंटेलिजेंट हूँ मैं, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई की है मैंने और करियर मैंने चुना है काउंसलिंग का। हम बहुत टाइप की काउंसलिंग करते हैं और मेरी फेवरेट तो करियर काउंसलिंग है। ये MBBS काउंसलिंग तो एक छोटा सा पार्ट है, मतलब मेरे पास लोग जब आते हैं 9th 10th 11th के बच्चे आते हैं कि सर हम लाइफ में क्या करें, और वो सेशन लेना मुझे ज़्यादा पसंद है। हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, हम मेरे कंपनी के जिसमें माई माली का प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें हम एक लार्ज स्केल पर बच्चों को सक्षम बनाते हैं सो दैट दे कैन अचीव बेटर इन देयर लाइफ। वो किसी भी स्ट्रीम में हो, BCA कर रहे हो, BBA कर रहे हो, तो मेरे को तो वो काम करना दिल से पसंद है। और स्टडी अब्रॉड काउंसलिंग या MBBS इंडिया काउंसलिंग तो बस एक लॉन्च कर दिया हमने आप लोगों की मदद के लिए, और कुछ डेफिनेटली हम भी इनकम जनरेट कर लेते हैं, बट वो ईमानदारी दिल में हमेशा रहती है ना, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं। और मैं भी अब्रॉड का बहुत बड़ा काम करता था 18 नवंबर 2021 से पहले, फिलीपींस में हर साल हमने 30-30 बच्चे भेजे हैं। लेकिन जैसे ही ये रूल आया और मुझे समझ में आया कि फिलीपींस ख़त्म है, हमने ज़ीरो कर दिया, कोई बात नहीं, उतने ही एफर्ट एनर्जी हमारी दूसरे कामों में लग गई। बट कुछ बेचारे अनपढ़ जो एजेंट्स हैं जो मार्केट में बैठे हुए हैं, उनको कोई काम नहीं आता। वो मुझे खुद ही कहते हैं सर बड़ी मुश्किल से 10 साल लगा के तो हमने MBBS फिलीपींस का काम सीखा था, अब ये काम हम बंद कर दें तो हम अपने बच्चे कैसे पालें। तो इस वजह से उनको आप सबको झूठ बोलना पड़ता है, आप सबके कैरियर लाइफ ख़राब करनी पड़ती है ताकि उनके घर और उनके ऑफिस चलते रहें।
मैंने कहा अभी, मैं कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? कहते सर क्या करें, भगवान ने शरीर दिया है, पेट दिया तो भरना तो है ना, ये मतलब डायलॉग मारते हो मेरे सामने। वो मेरे को सभी जानते हैं, सर आप किस्मत वाले हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपने तो फट से काम बदल लिया अपना, मेरा पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री ख़त्म हो जाए आप तो कुछ और काम कर लोगे, कुछ चौथा काम कर लोगे आप तो, डिजिटल मार्केटिंग भी, आप इतनी बड़ी कंपनी है जिसमें आप कैनेडा यूएस के क्लाइंट्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हो, हमें तो खाली मुश्किल से हमने 10 साल लगा के ये MBBS अब्रॉड का काम सीखा है, तो हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, तो हमें तो ज़बरदस्ती यही काम करना है, चाहे हमें जितने मर्जी झूठ बोलने पड़े, हमें जितने मर्जी बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करनी पड़े। तो फ़िलहाल आपके लिए ये सलाह है, फिलीपींस नोनो है, नेपाल क्योंकि मैंने कहा था इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक थर्ड राउंड की क्लैरिटी नहीं आई है, और अब जो आप यह फाइनल करें नवंबर मंथ में, आप पहले अपने नेपाल के जिस भी एजेंट से आपने बात की है उससे वो लिखित में, और देखिए कोई आपको व्हाट्सएप पे कागज़ भेजे वो मत कभी मानिएगा, हमेशा URL पूछिए जो वेबसाइट पे छपा है नेपाल गवर्नमेंट की, जैसे हम कहते हैं ना जो किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान वगैरह में, कि जो इंडियन एम्बेसी इन उज्बेकिस्तान उसकी वेबसाइट पे वो आना चाहिए कि हाँ भाई ये लाइसेंस वाला पॉइंट अप्रूव हो गया। जब तक वो पॉइंट आप ना देखें नेपाल गवर्नमेंट की साइट पे, इंडियन एम्बेसी नेपाल की साइट पे, मतलब उस तरह से व्हाट्सएप में जो आपको भेजा जाएगा वो सारे नकली पेपर होते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूँ, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, 5-6 दिन पहले मेरे पास एक किसी ने मुझे फॉरवर्ड करके भेजा कि NMC ने मंगवाए हैं सारे कॉलेजों से डेटा कि आप कितने सीटें खाली हैं, और NMC उसके हिसाब से डिसीजन लेगी राउंड करवाना है। तो मैंने जिसने मुझे भेजा, मैंने कहा भाई मुझे तो NMC की वेबसाइट, फिर किसी ने उसने बोला, मैंने कहा ना वो एजेंट जो बेचारे फंसे हुए पेरेंट्स हैं बेचारे जिनको सीट चाहिए ही चाहिए, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो दे टेंड टू बिलीव बिकॉज दे वॉन्ट टू बी पॉजिटिव। तो मेरे को फ़ोन आया, अरे सर सर ऐसे, तो मैंने कहा सर मैं तो अभी नहीं मान रहा इस लेटर को, तभी मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पर छपा हुआ है। अरे नहीं नहीं सर ये तो इंटरनल लेटर होगा ना, NMC ने भेजा है कॉलेजों को डायरेक्टली, तो क्यों छापें कई जगह। तो मैं कहा आपको किसने भेजा ये बताओ, तो फिर से उस एजेंट ने भेजा जिसको उन्होंने 5 लाख रुपये पकड़ा रखे हैं। तो मैंने कहा ये लेटर भी बनाए थे ताकि एक महीना आपको ओल्ड टाला जा सके, उसके बाद पता चलेगा वो ऑफिस को बंद करके भाग गए। तो ये सब चीज़ें हैं, उन सब का ध्यान रखिए। और मैं आपको वही कहता हूँ जो आपका काम कर रहा है, जो आप जिसके साथ अपने आप बच्चे की पूरी जिम्मेवारी दे रहे हो, 2-5 लाख रुपए ऑनलाइन भेज रहे हो, अरे पता तो कर लो ये बंदा कौन है, क्या इसका खुद का एजुकेशन बैकग्राउंड है, कहाँ सिर्फ फैंसी ऑफिस देख के, अरे फैंसी ऑफिस तो 70,000 रुपये किराए पर मिल जाता है, 4 महीने बैठते हैं 3 लाख रुपये दे के आपके 3 करोड़ रुपये लेके गायब हो जाते हैं, उस इंसान को तो समझो कौन है। मतलब आप दिल्ली के रहने वाले, अच्छे शहरों के रहने वाले, आप उस बंदे कभी, मैं तो हंस तो बंदे के ना उस काउंसलर के नाम से उसकी शक्ल से पता चल जाता है कि चोर है, और फिर भी आप उन लोगों को पैसा पकड़ाए थे हो, तो वो तो फिर आप ही बेवकूफ़ हो ना थोड़े से। तो मैंने उनको ये समझाया, मैं कहा सर उसी ने भेजा ना लेटर, मैं कहा हाँ, कहते हैं, मैं कहा किसी भी एक कॉलेज ने भेजा तो बता दो कि आप इतने कॉलेज से टच में हो ना कि उस कॉलेज ने जी लेटर फॉरवर्ड करा है, कि NMC तो हर कॉलेज को भेजा है ना, तो किसी भी कॉलेज के ऑथराइज्ड बंदे से व्हाट्सएप मंगा लो जो कॉलेज का जिम्मेवार इंसान हो, उससे मंगवा दो। मैं आपको बताता हूँ तीर्थांकर महावीर मुरादाबाद में 2 सीटें खाली है, जाके तीर्थांकर महावीर में फ़ोन करके पूछ लो ना क्या उनके पास NMC का लेटर आया है। श्री गुरु राम राय देहरादून में 2 सीटें खाली है, जाके पूछ लो क्या उनके पास लेटर आया है। उतनी मेहनत करके राजी नहीं है कोई, मैंने तो फ़ोन किया जी उनके पास लेटर ऐसा कुछ नहीं आया। तो इसलिए क्या पता जिसको मैंने फ़ोन किया उसको ना पता हो, पर मैं कहा जब तक इस तरह से मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी नहीं आएगी, तो आप ये ध्यान रखिए फिलीपींस। हाँ वो बात रह गई, तो लोग कहते हैं सर फिलीपींस वाला कह रहा है हमसे यहाँ पढ़ के आप USMLE निकाल लोगे, तो वही बात है ना, USMLE को प्लैब को आप लोगों ने हलवा समझ रखा है, मतलब जो अमेरिकन में पढ़ रहा है उससे तो निकलता नहीं है। और आपको पता ना USMLE क्लियर करके आपको US में PG फ्री में मिलती है, तो जिस बच्चे के इंडिया में 200-250-300 नंबर आए थे वो पहली बारी में प्लैब USMLE निकाल लेगा, मतलब आप उस भरोसे जा रहे हो, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। और अपने बच्चे को समझो, पहले बार USMLE का पेपर तो देख लो कैसा होता है। प्रॉब्लम ये है कि भाई ना महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन जब हम पहले भेजते थे हम भी USMLE का देते थे सपना, लेकिन वो सपने के साथ ये भी तो है ना कि भाई इंडिया तो तुम्हारे लिए है ही ना, जिसको फिलीपींस भेजा बिल्कुल फिलीपींस US का सिलेबस फॉलो करता है, US का पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन जिस एजेंट आपको जो दावा कर रहा है कि फिलीपींस से आप USMLE पहुंच जाओगे, उसे अपन लिखित में ये तो पूछ लो सर पिछले 10 साल में कितने बच्चे फिलीपींस से MD किए इंडियंस, उसमें कितने US में समय है, एक लिस्ट तो दिखा दो।
मतलब 25,000 बच्चे भेज में, आज तक 25,000 में से 25 बच्चे भी नहीं गए, तो उसको आपने मान लिया कि मेरा बच्चा भी यूएस असेंबली में करके अमेरिका पहुंच जाएगा या यूके पहुंच जाएगा या नेपाल से करके, अगर वो नोटिस नहीं आया किसी भी कंट्री, तो यूएस असेंबली का सपना, यूके पीजी का सपना ज़रा सोच समझ के कीजिए, डेटा पूछा कीजिए ना कि सर आज तक कितने गए हैं, उसी से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। वो जो कैरिबियन भेजते हैं बच्चों को सपना दिखा के वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और टेक्सिल यूनिवर्सिटी में कि यहाँ से आप डायरेक्ट यू एस असेंबली निकाल लो क्योंकि अमेरिका हमारे पास पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ वेरी क्लोज टू अवर कंट्री, तो हमारा यू एस असेंबली निकल जाएगा। सोच समझ के डिसीजन लीजिए, हमारी पेड काउंसलिंग चाहिए, मदद चाहिए, 9643362320। मैं हमेशा कहता हूँ MBBS अब्रॉड हो, इंडिया हो, जो मर्जी हो, वी टेक अ मिनिमम चार्ज बिफोर टॉकिंग, 2,500 रुपये फ़ोन कॉल के, 5,000 रुपये फेस टू फेस मीटिंग के। तो दीज नहीं मन हो तो फ़ोन कीजिए 9643362320 पे। ब्रॉडली मैंने आपको फिर इस वीडियो में बता दिया है कि अब्रॉड का अपना डिसीजन अब आप कैसे ले अगले 2-3 हफ्ते में, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। संडे 29 अक्टूबर है आज।